चाहते हैं कि आप पहले की तरह ही स्वस्थ जीवन यापन करते रहे, तो प्लीज आप सभी कॉलोनी वासियों से डॉक्टर हिना आप सबका निवेदन है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रत्येक घर से एक व्यक्ति आकर जांच करा लो, ताकि शक मिट जाए कि कोई कोरोना पॉजिटिव किसी दूसरे को पॉजिटिव तो नहीं कर रहा है। समझ रहे आप मेरी बात को? प्लीज मेरे आपसे गुजारिश है कि आप लोग आइए और कोरोना की जांच करवा लीजिए। कोरोना एक वबाई बीमारी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था कि जब वबाई बीमारी आए तो तुम जहां हो वहीं रुक जाओ, और अगर वो फैलने वाली बीमारी है तो दूसरे के घर मत जाओ, उसको वह बीमारी से संक्रमित मत करो, यानी उस तक मन ना फैलाओ। तो मेरी आपसे गुजारिश है अपने घरों में रहें, अपने घरों में रहें, बच्चों को बाहर ना निकालें, एक व्यक्ति सामान लेने के लिए निकले, और प्लीज आपसे गुजारिश है अपने आप पे एक बार चेक करवा लीजिए, हमने आपकी सुविधा के लिए आपके यहाँ कैंप लगाया है। प्लीज आपसे गुजारिश है, मैं एक एक घर घूम नहीं सकती, मैं 2-3 गलियों पर चढ़ चढ़ के मेरी सांसें भर रही हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं आपके लिए सड़कों पे आई हूँ, आप जांच कराने के लिए एक बार सड़क पे आ जाओ। आप लोगों से गुजारिश है प्लीज नया तालाब मालावासियों, आप लोगों से मेरी खास गुजारिश है प्लीज जांच के लिए आए, पुलिस वासियों को भी कोऑपरेट कीजिए और हमें भी कोऑपरेट कीजिए। हो गया सर? इधर सर, एक्सक्यूज मी सर, हो गया, बुला लिए इधर अभी। आप लोगों से मेरी फिर गुजारिश है प्लीज नया तालाब समुद्र भवन में आकर कोरोना की जांच करवा लीजिए। कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये केवल एक नॉर्मल सा खांसी जुकाम है जो चाइना से एक्सपोर्ट हो गया है। अपन क्या करें, अपन खुद ही इतना चाइना का माल यूज करते हैं, प्यार भी चाइना का माल हो गया आजकल, हो गया नहीं हो गया, गाना भी है प्यार चाइना का माल है ना। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा करिए, कोऑपरेट कीजिए, नया तालाब की बुरी छवि को निकालिए, लोग सोच रहे आता तो उगला इस बसे है, ये छवि सुधारिए, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कीजिए, क्योंकि आपकी छवि खराब जा रही है और आपका स्वास्थ्य भी। एक व्यक्ति अगर संक्रमित है और वो छुपा हुआ है तो हम उसको खोज निकालना है, और अगर आप इस माइक से बुलावे में भी नहीं आएंगे तो अगला स्टेप है पुलिस और आपका घर और मैं। तो आप समझ जाइए, अभी प्यार है, दूसरी बार आपको फटकार मिल जाएगी। तो कृपया आप लोग सामुदायिक भवन में आकर, क्योंकि ये लास्ट कैंप है आपके यहाँ, ये केवल लास्ट कैंप है आपके मोहल्ले में, उसके बाद अगर आप जांच कराने के लिए कहेंगे तो बड़ी दूर आना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक मुझे दे दो।